कहीं ना कहीं अगर इनके साथ आप शोषण किए हैं इस बार ये लोग सारे लोग मिलकर के आपको घंटा धरा देंगे बाबा, भुवनेश्वर नाथ मंदिर का घंटा ले जाकर के आपको धरा देंगे और घंटा दुलाते रहिएगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज और आजाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस तक पहुंचा हूं। शिवहर नगर परिषद में जो नरक परिषद में तब्दील हो चुका है, अभी चुनाव के समय है तो बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी बना रहे हैं, कोई वार्ड पद पे तो कोई उपसभापति पद पे तो कोई सभापति पद पे, लेकिन उस महाशय को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के जो पूर्व में वार्ड सदस्य थे उनके द्वारा उनके क्रियाकलापों के द्वारा यहाँ नाला निर्माण कार्य किया गया, लेकिन 5 साल भी नहीं हुआ उस नाले निर्माण कार्य का, उसका स्थिति आप देखिए कि बरसात के समय जैसा कि लोग यहाँ के लोगों का कहना है कि भर डर पानी हेलने को मिलता है और आए दिन किसी न किसी तरह के घटना यहाँ होता रहता है। और आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इस नाले का दिखा रहे दृश्य कि यही और नाला निर्माण कार्य है जो यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा किया गया, जो कि कितना परसेंट सत्य किया गया आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सारा नाला टूट गया हम लोग का, इसमें गरीब बच्चा भी कितना बार गिर गया है, कितना का गोद टूट गया, कितना का पैर टूट गया, यहाँ का मेंबर भी उसा ही है, घुसखोर छिया। अच्छा, वार्ड कितना नंबर वार्ड है? ये 4 नंबर वार्ड पार्षद कौन हो गए? वकील प्रसाद। जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे बार बार बच्चा कोई बच्चा गिरते हैं तो हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, तो इस मुद्दे को लेकर के आप वकील प्रसाद को बोले? वकील प्रसाद कितना बार बोला गया है, वकील प्रसाद कितना बार बोला गया, वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आदमी के भेज देते हैं बस इतना ही। और चेयरमैन साहब को हम लोग बार बार बोलते हैं, यहाँ का जो जैसा कि लोगों का कहना है कि चेयरमैन जो है, जैसा कि चाचा का कहना है कि सबको कहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता, उनको सिर्फ चुनाव में ही जनता का दुख तकलीफ समझ में आता है। चुनाव के बाद मैं सिर्फ यही मुद्दा नहीं दिखा रहा हूँ कि बच्चा डूबता है इसमें, बच्चे का पैर टूटता है, बच्चे के पिता का पैर टूटता है, शादी विवाह में भी लोगों को इसमें बाहर नहीं जा सकती है दूरा पे, अगर जाना होगा तो उनको 500 फीट लगभग इस रोड का लंबाई है और 500 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आपको दिखाना तो 500 फीट तक के लिए यही दृश्य। शर्म आना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को जो आप लोग अपने इस पद के दावेदारी बना रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। आपके पास तो 100 प्रतिनिधि आता है, बहुत प्रतिनिधि आता है, लेकिन क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के चेयरमैन पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि न पता नहीं नपुंसक हो गए हैं क्या। 20,000-40,000 रुपया ले रहा था घर बनने घर वाला फंड की, लोगों का कहना है की जितने बार वो लोग आते हैं सर्वे करने उतना बार पैसा लेता है, हमने का पैसा खो नहीं तो घर भी नहीं बन बना। आपका जिम्मेदारी है कि आप करता है हम पैसा लेकर के वोट देंगे, अभी दिन बाद में पैसा लिए माला में बहुत बड़ी परिवार है, किसी गरीब के पास पता चला था मालिक मेरे समाज थे हैदराबाद से 30,000-35,000-40,000 जो नहीं देता था पैसा इंद्रावास नहीं मिला है, ठीक है। महिला है, महिला से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या बता रहे हैं यहाँ के वर्तमान चेयरमैन और वार्ड के बारे में। मार देंगे हम पहले ही बताओ वोट देने में पैसा लगेगी फ्री में? फ्री में गरीब का हक कैसे मारा जा रहा है? 2 लाख रुपया मिलता है, 1,20,000 में वो कहाँ से खड़ा कर देगा? सर माना चाहिए क्या हम बोले आपको, आप कहिएगा कि पगला गए हैं, लेकिन हम गरीब के हक के लिए ही हम लड़ रहे हैं। आपके भी घर में बेटी का शादी होता होगा, आपके भी घर में बेटा का शादी होता होगा, आपके भी घर में अतिथि जाते होंगे तो वो 4 चक्का से जाते हैं, और यहाँ गरीब परिवार के लोग के जो घर में होता है कुछ भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो लोग को 500 मीटर 500 फीट तक पैदल जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर इनके साथ आप शोषण किए हैं इस बार ये लोग सारे लोग मिल करके आपको घंटा धरा देंगे बाबा, भुवनेश्वर नाथ मंदिर का घंटा ले जाकर के आपको धरा देंगे और घंटा दुलाते रहिएगा। अभी मैं पुनः वार्ड नंबर 4 में भी मौजूद हूँ और यहाँ का एक छोटा सा गली है। सरकार का एक योजना आया था साल 2016 में 7 निश्चय योजना, जिसके तहत नली गली का विकास होना था और विकास शिवहर नगर परिषद में इस तरह हुआ है जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।
और यहाँ के जो वर्तमान वार्ड पार्षद है शायद वकील प्रसाद, उनके द्वारा इस तरह से विकास हुआ है कि यहाँ का जो, जब हम आए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने तो यहाँ के जो स्थानीय लोग है उनका कहना है कि 6 महीना पानी नहीं तो 6 महीना कादों में हम लोग का जीवन चलता है। पानी लगता है तो जाते होंगे इसमें हेल करके। जब निधि जो है तो उसको तो खूब गाली देते होंगे। अभी हमें क्या दिक्कत होता है इन्हीं लोग के मामले में? साधु कुछ हुआ पानी में हेलते हैं इसलिए गाली देते हैं। बताइए जब आपकी वाइफ इतना सारी उठा के इस पानी में आए जब हेलेगी तो कितना शर्म की बात है, समझिए। इस तरह जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे घर की महिला को किसी ना देखे, उसी तरह अगर जनता ने आपको चुना था, चुना है कि कहीं ना कहीं उनके विकास को लेकर और उनके वार्ड के विकास को लेकर के, लेकिन आपने उन्हें शोषण कर दिया। आप याद कीजिए 2016 में 7 निश्चय योजना के तहत आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास का कार्य किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके स्थानीय लोग और यहाँ के स्थानीय वार्ड नंबर 4 के स्थानीय लोग जो है जिन्होंने आपको वार्ड के पट पर बैठाया वही लोग कह रहे हैं। जब आपको इंदिरा आवास मिला 30,000-40,000 रुपया लिया वो, अभी फिर वही व्यक्ति आएगा आपके पास वोट मांगने तो कौन चीज से स्वागत कीजिएगा? भाई देखिए आपके लिए अच्छाई का है कि बिहार में बाहर है पलटू चाचा की सरकार है, जो आप आइएगा वोट मांगने तो चप्पल से चाची स्वागत करेंगे। सतर्क हो जाइए, वोट मांगने आइएगा नहीं इस वार्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद।